नाबालिग किशोरी को सोते समय दबाया। नाबालिग किशोरी के साथ की अश्लील हरकतें, दुष्कर्म करने का किया प्रयास। आशीष कुमार ने चाकू से हमला करने का किया प्रयास, नाबालिग किशोरी चिल्लाई। चीख पुकार सुनकर परिजन दौड़ते हुए पहुंचे। नाबालिग किशोरी की मां ने डायल 112 पर कॉल की। तब तक आरोपी आशीष के परिजन मौके पर पहुंच गए और आरोपी को छुड़ाकर फरार हो गए। आशीष कुमार पुत्र गंगा सिंह करता था गंदे गंदे कमेंट। नाबालिग किशोरी दहशत में जी रही थी, दो बार घटना को दे चुका था अंजाम। नाबालिग किशोरी ने बताया यह तीसरी बार हमला किया है। किशोरी ने बताया, हमें धमकी देता था, अगर घर बताया तो तुम्हें जान से मार देंगे। किशोरी ने अपने परिजनों से की शिकायत तो आशीष कुमार गुंडे ने छत पर सोते समय नाबालिग किशोरी को बिस्तर पर दबाया। किशोरी के चरित्र पर पहुंची ठेस, परिजनों में बना हुआ है दहशत का माहौल। आशीष नाम का लड़का रात के 12 बजे मेरे घर पे कूदा और मैं छत पे मतलब लेटी थी, एकदम आया, मेरे हाथ पकड़ने लगा, मतलब एकदम मुझे छेड़खानी करने लगा। और जैसे ही मैं एकदम चिल्लाने की कोशिश करती हूँ तो मतलब वो कहने लगता, हम चाकू, ये चाकू मेरे हाथ में, गला काट देंगे अगर चिल्लाने। तो लड़का कूदा आशीष नाम का, चाकू लेके हमारी छोटी लड़की को 14 साल की, उसको छाप लिया आके, उसके ऊपर चाकू दिखाने लगा, उसको छीनखानी की, कपड़े फाड़ दिए, हमारी कोई कार्रवाई नहीं, थाने में हुई और ना हमारे चौकी थाने को हुई। हम सब में भागते फिरते रहते हैं, तो हमारी कोई गरीब की सुनाई नहीं हो रही, अमीर की सुनाई हो रही है, हमारी कोई सुनाई नहीं हो रही है, हम सब में भागते फिरते हैं। आप थाने गई, क्या सुनवाई थाने में? सुनवाई कुछ नहीं हुई, वहाँ दरोगा जी ने कहा यहाँ से जाइए, वो कुछ नहीं है, ये फंसाना चाहती है, गलत फंसाना चाहती, कुछ नहीं हुआ, जाइए यहाँ से। नाबालिग किशोरी की मां रेशमा देवी थाना चौकी कोर्ट कचहरी के 12 दिनों से लगा रही है चक्कर, लेकिन अभी तक नहीं हुई कोई कार्रवाई। नाबालिग किशोरी के साथ हो रहा है अन्याय, आरोपी के परिजन कर रहे हैं प्रताड़ित, समझौता करने का बना रहे हैं दबाव, आरोपी दे रहा है धमकी, कार्रवाई की तो तेरे भाई को बलात्कार लगाकर जेल भेज देंगे। पीड़िता के भाई को फर्जी फंसाने का रचा जा रहा है षड्यंत्र, सौरिक थाना पुलिस प्रशासन कर रही है पक्षपात। आपको बता दें, पूरा मामला जनपद कन्नौज के सौरिक थाना क्षेत्र के अंतर्गत गांव नंगला अंगत का है। मतलब रात के 12 बजे आशीष नाम का लड़का मेरे छत पे कूदा, मैं लेटी थी, मेरे छोटे छोटे भाई गोली दे देते थे, मुझे एकदम दबोच लिया आगे, मतलब और मेरी गर्दन पे चाकू रख दिया एकदम, और कहने लगा तू से बोल निकाला दें, गला काट देंगे, और मतलब एकदम कपड़ा वपड़ा फाड़ने लगा, मेरे साथ एकदम छेड़खानी करने लगा। तो भी एकदम मैं बहुत डर गई थी, एकदम मैं चिल्लाने लगी, मतलब तो मतलब मम भाई आई आए, मतलब चाकू लेके कूदा था मेरे घर पे, मतलब एकदम मेरे भाई आई आए, मतलब उन्होंने एकदम पकड़ लिया, दो चार रापटे लगाई उसके, मतलब उनके जो उसी जो लड़का कूदा था उसका भाई आया, मतलब एकदम झगड़ा हुआ, बस उसको छुड़ा के उसे भगा दिया। आपने पुलिस को फ़ोन नहीं किया? पुलिस को फ़ोन किया था, मतलब जब तक वो भाग चुका था, जब तक पुलिस आई 10-5 मिनट तक, तब तक वो भाग चुका था। चाकू लेकर फरार हो गया था क्या? नहीं, चाकू मतलब मम्मी मतलब भैया ने छुड़ा लिया था चाकू, मतलब भैया के ऊपर छोड़ दिया था उसने चाकू, कि हम चाकू छोड़ देंगे अगर मेरे पास भी कोई आया। फिर आप लोगों ने चाकू छीन लिया था? हाँ। चाकू कहाँ है? चौकी थाने पे है जमा। फिर पुलिस आई थी मौके पर? हाँ, पुलिस आई थी, मतलब फिर पुलिस ने क्या कहा? चाकू मतलब ले गई, जब तक वो फरार हो चुका था, वो मतलब घर पे नहीं था। थाने में आपकी सुनवाई हुई? नहीं हुई। क्या कह रहे बोलो? मतलब दो बार हम एप्लीकेशन दिए, मतलब दो बार एप्लीकेशन दिया तो भी मेरी सुनवाई नहीं हुई, मतलब जो दरोगा जी बैठे थे उन्होंने इतनी जोर से हम लोगों को ललकारा कि तुम उसको मराना चाहते हो, तुम उसको कत्ल कराना चाहते हो, भागो यहाँ से, चलो यहाँ से कोई नहीं होगा, तो मतलब हम लोगों को भगा दिया गया वहाँ से। कौन सा थाना है आपका? ये सौरिक थाना। किस गाँव के रहने वाले? नंगला अंगत के रहने वाले। अभी आप कहाँ आई न्याय के लिए? सीओ साहब के पास? हाँ। फिर सीओ साहब नहीं मिले? नहीं मिले। कितने दिन हो गए आपके साथ घटना हुई? 12 दिन हो गए हैं, अभी तक मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही, हम गरीब हैं इसलिए हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आपको जान का खतरा भी है क्या? हाँ है, मेरी जान का।
आज मतलब जब वो लेके मतलब घुसा है तो कल भी हम लोगों को मार भी सकता है। मेरे घर वालों को भी बहुत खतरा है, इसलिए उनके भाई आई से बहुत खतरा है। मेरे घर वाले, मेरे बहन भाई, छोटे भाई, वो भी सब में मतलब जाते हैं आते हैं, इसलिए हम लोगों को बहुत खतरा है। और अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हो रही, हम लोग 12 दिन से भाग ही रहे हैं।